राजधानी देहरादून में भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि हर निकाय में प्रत्याशी चयन को प्रभारी नियुक्त कर 2 से 3 नामों का पैनल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हर निकाय में प्रत्याशियों का पैनल बनाने को जल्द प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष व संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद 2 से 3 नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजेंगे। साथ ही पैनल पर प्रदेश संसदीय समिति विचार करेगी और उसके आधार पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। संगठन स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, निकाय चुनाव के लिए हमने अपनी कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार कर दी है। अभी मतदाता बने इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं की टीम, जो हमारा स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है, उसको काम में लगाया है कि बड़ी संख्या में मतदाता बनने से छूट भी गए हैं और कुछ प्रकरण ऐसे आ रहे हैं कि लोकसभा के अंदर 18,000 वोट और नगर पालिका में 36,000 वोट। ये सब हमारे लिए सोचने विषय है। इन सब विषयों पर हमने एक कमेटी बनाई है। कल उस कमेटी की घोषणा हम लोग करेंगे।